मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे डेट 03/03/2021, टुडे डे इज वेनसडे। सब्जेक्ट ईवीएस, आज से आपकी ईवीएस की रिवीजन स्टार्ट हो गई है। तो हम रिवीजन में आज क्या लर्न करने वाले हैं, माई सेल्फ। इसके पहले भी आपने माई सेल्फ लर्न किया था और राइटिंग भी किया था, तो आज हम माई सेल्फ की रिवीजन करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने राइटिंग किया है माई नेम इज, तो यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है। माई सेल्फ यानी कि क्या होता है, खुद के बारे में होता है, खुद की जानकारी होती है। तो यहाँ पे माई नेम इज यानी कि क्या होता है, खुद का नाम होता है, अपना नाम होता है। तो आपको यहाँ पे खुद का नाम राइटिंग करना है, आपके नाम की स्पेलिंग यहाँ पे राइटिंग करनी है। नेक्स्ट है आया, आप कितने साल के वो पूछा गया। आया यहाँ पे आप 5 ईयर्स के होंगे तो आपको यहाँ पे 5 लिखना है। आया 5 ईयर्स ओल्ड यानी कि आप कितने साल के हो, 5 साल के हो, तो आपको यहाँ पे 5 राइटिंग करना है। नेक्स्ट है आई गो टू, आप कौन से स्कूल में जाते हो, आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम राइटिंग करना है। आई गो टू श्री सप्तगिरी, तो यहाँ पे आपको श्री सप्तगिरी स्कूल करके राइटिंग करना है। आपको स्कूल की स्पेलिंग कर्स्यू में राइटिंग करना है, ध्यान रखना है ये सब आपको कर्स्यू में फिलअप करना है। नेक्स्ट है आई एम इन, कौन से क्लास में हो आप, KG2 में हो ना, तो आपको यहाँ पे KG2 राइटिंग करना है क्लास, फिर क्या हो जाएगा, आई एम इन KG2 क्लास। नेक्स्ट है आई लिव इन, आप कहाँ पे कौन सी सिटी में रहते हो, नागपुर में रहते हो ना, तो यहाँ पे आपको नागपुर की स्पेलिंग कर्स्यू में राइटिंग करना है, फिर हो जाएगा आई लिव इन नागपुर करके। देखो कैसे हो गया, माय नेम इज, यहाँ पे आपका आपको आपका नाम लिखना है, मैंने राम लिखा है, तो हो गया माय नेम इज राम। नेक्स्ट है आई एम, 5 बोला था मैंने आपको राइटिंग करने के लिए, ये देखो मैंने 5 राइटिंग किया है, आपको भी ऐसे राइटिंग करना है। आई एम 5 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गो टू, कौन से स्कूल में जाते हो, श्री सप्तगिरी स्कूल में जाते हो ना, तो श्री सप्तगिरी स्कूल की स्पेलिंग यहाँ पे मैंने राइटिंग की, आपको भी करना है। SHRII श्री SAPTAGIRI सप्तगिरी SCHOOL स्कूल, ऐसे करके आपको राइटिंग करना है। नेक्स्ट है आई एम इन, कौन से क्लास में हो आप, KG2 क्लास में हो, तो आपको KG और ऐसे करके 2 लाइन्स ड्रॉ करना है, ऐसे करके आपको KG2 राइटिंग करना है क्लास। आई एम इन KG2 क्लास। नेक्स्ट आई लिव इन नागपुर, तो आपको नागपुर की स्पेलिंग राइटिंग करना है NAGPUR नागपुर करके आपको राइटिंग करना है, ऐसे करके आपको पूरा प्रॉपर राइटिंग करना है। तो बच्चों आपको एनवायरमेंटल स्टडी की वर्कबुक निकालनी है, आपको पेज नंबर 67 निकालना है। फेस्टिवल्स, मैंने बताया था आपको आपकी रिवीजन स्टार्ट हो गई है, तो अभी हम फेस्टिवल्स की रिवीजन करने वाले हैं। तो ये देखो यहाँ पे फेस्टिवल नेम है, तो चलो वन टाइम रीड करते हैं, लर्न करते हैं, रिवीजन करते हैं इसकी। फर्स्ट फेस्टिवल है क्रिसमस, CHRISTMAS क्रिसमस। नेक्स्ट है दिवाली, DIWALI दिवाली। नेक्स्ट है EID ईद। नेक्स्ट फेस्टिवल है HOLI होली। नेक्स्ट पतेति, PATETI पतेति, मेरे साथ आपको भी बोलना है। नेक्स्ट है जन्माष्टमी, JANMASHTAMI जन्माष्टमी। उसके बाद नेक्स्ट फेस्टिवल है रक्षाबंधन, RAKSHABANDHAN रक्षाबंधन। नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी, उसकी स्पेलिंग है GANESH गणेश, CHATURTHI चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। नेक्स्ट है दशहरा, DUSSHRA दशहरा। ये सब क्या है, फेस्टिवल है। तो आज हमने फेस्टिवल की रिवीजन की है, तो आपको भी ये लर्न करना है और ये आपको आपकी कॉपी में प्रॉपर राइटिंग करना है बोल बोल के। तो बच्चों ये आपकी ईवीएस की कॉपी है, यहाँ पे आपको CW HWS ऐसे सेटिंग करना है, डेट डालना है, यहाँ पे रिवीजन करके राइटिंग करना है, आपको हेडिंग डालना है माई सेल्फ। जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड में आपको समझा है वैसे यहाँ पे मैंने सेटिंग करके दी है, तो आपको ऐसे पहले सेटिंग करना है प्रॉपर, और फिर आपको यहाँ पे जो मैंने बताया था माई नेम इज है, तो आपको यहाँ पे आपका नाम राइटिंग करना है। यहाँ पे आप 5 ईयर के हो तो यहाँ पे आपको 5 लिखना है, और यहाँ पे आपको स्कूल नेम लिखना है आई गो टू, जो स्कूल में जाते हैं आपको आपके स्कूल का नाम यहाँ पे राइटिंग करना है। नेक्स्ट आपको आई एम इन, कौन से क्लास में आप, KG2 तो आपको यहाँ पे KG2 राइटिंग करना है, और आप कहाँ पे रहते हो, नागपुर में, तो यहाँ पे आपको राइटिंग करना है। तो ये आप सबको ये अच्छे से फिलअप करना है माई सेल्फ। नेक्स्ट पेज पे CW HWS से सेटिंग करना है, डेट डालना है, रिविजन करके राइटिंग करना है आपको, फेस्टिवल हेडिंग डालना है, और यहाँ पे मैंने नंबर 10 तक राइटिंग करके दिखाया, सेटिंग करके दिखाया, आपको ऐसे सेटिंग करना है, और वन बाय वन आपको फेस्टिवल ने बोल बोल के यहाँ पे राइटिंग करना है और लर्न भी करना है। ओके, बाय बाय।